से भारत खंडी माचो क्षेत्र कैसा करे मंडी नामक स्थाने अहम मंद्यारम्भम करम मृत्यु पर्यंतम करिष्यतः। हेलो दोस्तों, तो अभी है हम मैक्लोडगंज के बस स्टैंड पे और ये रही यहाँ की पार्किंग जहाँ के रेट हैं 4 घंटे के 100 रुपये। ये हम पहुँच गए मैक्लोडगंज चौक पे जहाँ है मैक्लो रेस्टोरेंट और एक पेस्ट्री शॉप जहाँ की पेस्ट्री काफ़ी टेस्टी होती है। अब हम निकल पड़े हैं टेंपल रोड की तरफ। टेंपल रोड के दोनों साइड काफ़ी अच्छी मार्केट है जहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा सामान मिलता है। टेंपल रोड से होते हुए हम पहुँचेंगे खड़ा डंडा रोड। यह है दलाई लामा टेम्पल जिसकी वजह से इस रोड को टेम्पल रोड कहा जाता है और यहाँ से शुरू होता है खड़ा डंडा रोड जहाँ पे नए ड्राइवर्स के लिए गाड़ी चलाना काफ़ी रिस्की है और जिनको मेरी तरह थोड़ी बहुत गाड़ी चलाना आती है उनकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है बिकॉज ज़रा सा भी इधर उधर हुए या स्पीड बढ़ाई तो आप किसी को ठोक सकते हो। आई होप ऐसा ना हो। अगर आप ड्राइविंग करने में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो ये रोड चूज ना करें। टाइम बचाने के लिए लोग खड़ा डंडा रोड यूज़ करते हैं बिकॉज मैक्लोडगंज से धर्मशाला की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है अगर आप खड़े डंडे रोड से जाते हो, लेकिन अगर नॉर्मल रोड से अगर आप जाते हो तो मैक्लोडगंज जो है वो 10 किलोमीटर दूर है।
सो आई होप आपको खड़ा डंडा रोड का व्यू अच्छा लगेगा और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस रोड पे गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। इस रोड पे गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है बिकॉज स्पीड जो है वो 10-20 तक ही सीमित रहती है।
मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।